हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु राव और आप सभी का स्वागत है ऋतु राव हमारे रेसिपीज़ की किचन में। आज हम बनाएंगे गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद। तो ये प्रसाद बनाने के लिए हमें लगेगा, यह लिया है मैंने घी, तो घी लगेगा हमें 2 बड़े चम्मच, और लिया है आटा, तो यहाँ हमने गेहूं का दरदरा आटा लिया है 1 कटोरी, और उतना ही लिया है शक्कर भी, और लेंगे 2 कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से मैंने आटा नाप लाया है उसी कटोरी से हमने पानी नाप के 2 कटोरी पानी लिया है, और पानी को अब गर्म कर लेंगे। और जब पानी गर्म सा हो जाएगा इसमें डाल देंगे शक्कर, और शक्कर को पानी में घोल लेना है, इसे बॉईल नहीं करना है। और जब शक्कर पूरी तरीके से घुल जाएगी हम इसे साइड में कर देंगे। तो पैन को साइड में रख देते हैं। अब हमने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी, और जैसे ही घी गर्म हो जाता है इसमें डाल देंगे आटा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं किया है, जो ओवरलोडेड घी जो होता है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। जितना हमें आटे में लगेगा हम उतना ही घी ले लिया है इसमें, और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू ना आ जाए और इसका थोड़ा रंग ना बदले। हम आटे को थोड़ा हल्का भूरा सा रंग आने तक के इसे भून लेना है, और भूनते वक्त में याद रखें इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही भूने। तो आटा और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसका रंग भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हमने जो शक्कर वाला पानी तैयार किया था उसे इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते वक्त में फ्लेम को कम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी इसमें डालने के बाद में अच्छे से मिक्स हो चुका है आटा, और आटे का रंग भी चेंज हो चुका है, और इसे आटे का हलवा भी कहते हैं। ये पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बनके तैयार है हमारा आटे का हलवा या कड़ा प्रसाद। तब इसे प्लेटिंग करते हैं। तो आपको ये कड़ा प्रसाद की रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, और भी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।